हिंदू मुस्लिम एवं सिख समाज के लोगों ने एक साथ मिलकर सुभाष चौराहे पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। चेहरे और तिरंगा की आकृति बनाकर एक दूसरे को एकता का संदेश दिया। हाथों में तिरंगा लिए आज़ादी अमृत महोत्सव मनाने आए लोगों का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख एक साथ मिलकर आज़ादी अमृत महोत्सव मनाकर एकता का संदेश दे रहे हैं और उन जवानों को याद कर रहे हैं जिनके बलिदान से आज़ादी मिली है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां साल का बनाना है, तो इसी को हम एक तरीके से अच्छे से अपनी फेस्टिवल मनाने के लिए, अपने देश प्रेम दिखाने के लिए हम लोगों ने एक बिना किसी धर्म बिना किसी जाति के एक दूसरों को लगा करके अपने इंडिया का सेलिब्रेशन किया है। ये हमारा जो 15 अगस्त आ रहा है, ये अपने देश की आज़ादी के लिए 75वें देश की आज़ादी के लिए हम लोगों ने ये यहाँ पर इकट्ठा होकर देशवासियों को ये संदेश दे रहे हैं कि हम सब एक हैं, हमारा देश है कि भारत, ये झंडा ये तिरंगा हमारी आन बान शान है, इसका मान मर्यादा हम लोग कायम रखें और इसको शान को बरकरार रखें। ये हमारे गंगा जमुना की तहजीब है, ये हमारे देश की, ये तिरंगा हमारे देश की शान है। सभी लोगों से अपील करते हैं कि सब मिलजुल कर रहें और तिरंगे का आन बान शान बरकरार रखें। आज हम लोग तिरंगा बना करके और सब लोग भाई बहन सब लोग मिल करके एक आज़ादी का जश्न, 75वां आज़ादी के जश्न मनाया जा रहा है कि हर घर में तिरंगा लहराए और हर बच्चे लोग तिरंगा का जश्न मनाए हर घर घर में। हम लोग ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव में हिंदू मुस्लिम सब लोगों ने अपने हाथों में फ्लैग लगे, अपने चेहरे पर फ्लैग बना के एक उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि और इस उत्सव में उमंग में एकदम सहभागिता ली है। बहुत ही बड़े तादाद में लोगों को भी प्रेरित किया है कि अपने जहां हाथ में अपने घरों में तिरंगा टांगे, वहीं अपने गालों में अपने हाथों में मेहंदी से तिरंगा बनवाएं, महिलाएं जो मेहंदी से लगवा के तिरंगा बनाएं, पुरुष जो है गालों में तिरंगा इस तरह बनाएं। मतलब दिखना चाहिए कि भारत वास्तव में 75वीं आज़ादी का जश्न मना रहा है, बच्चा बच्चा एकदम रंगा हो आज़ादी के रंग में, तिरंगे के रंग में। यही उद्देश्य है हमारा।